हाँ ये देखिए, दिखा दो। ये है कौन सा घाट? जाह्नवी घाट। हाँ गंगा जी दिखा दो सामने। ओ गंगे भैया की जय। हम अब इंडिया से बाहर चले गए। हाँ अब तुम लाइव चलाते रहो, ये अनूप शहर है। तो गाइस हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड। यूनिवर्सिटी रोड अनूप शहर में यूनिवर्सिटी भी है डीपी की। हाँ जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं। हाँ जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसी स्कूल उसी इंस्टीट्यूशन की यूनिवर्सिटी। ये कचहरी है, कोतवाली है, बताते जाओ। मुझे जगह के बारे में थोड़ी पता है। ये कोतवाली है। कोतवाली कोतवाली अनूप शहर है। पुलिस स्टेशन मतलब? अरे पुलिस स्टेशन तो यहाँ पर देखे एक बहुत ही बड़ा सा खंबा है, डोंट नो क्यों। हाँ जी देखना इसका क्या मतलब है, कमेंट में बताइए हमें जरूर। पर गाइस आज पूरी 1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम बनेगी। हाँ पूरी बनाते रहे जब तक घर नहीं पहुँच रहे। और ये मस्तराम घाट के लिए रास्ता है, रास्ता गया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पीडब्ल्यूडी वाले रिपेयरिंग कर रहे हैं रोड की। और ये देखिए मस्तराम घाट के लिए जगह गई है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। यहाँ पर अभी बैरियर लगे हुए हैं। हाँ और ये दिखाओ कितनी अच्छी जगह थी, मंदिर था ये, मंदिर स्थल था। ये जो है हाट लगी रहती है, ये गेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी का। अरे यार यहाँ तो रास्ता बंद है, चलो पीछे जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लेने वाले हैं यू टर्न, हमारा पोपट कट चुका है। ऐसे कटता रहता है, कोई बात नहीं है, यहीं से ले लेंगे पास। ये देखिए एक बार रियलिस्टिक व्यू आपको दिखा दूं शीशे के बाहर का। ये दिखा दे सामने, बंद कर इसे, निकली जा रही है बाहर। आगे यहाँ पर बस चलिएगा, इस दूसरे रास्ते से जा रहे हैं हम। और पापा इस कांच साफ कर दो गाड़ी का, गंदा हो रहा है बहुत। चलिएगा इस कांच भी साफ हो चुका है। तो अब यहाँ पर बैंक है एक छोटा सा, पंजाब नेशनल बैंक PNB। यहाँ पर है LDAV इंटर कॉलेज अनूप शहर। हाँ जिसमें तुम्हारे मौसा जी नौकरी करते हैं। अच्छा मौसा जी भी नौकरी करते हैं, टीचर है। अच्छा मम्मा पढ़ी थी आप? अच्छा पढ़ी थी आप? हाँ हमारी मम्मी इसी स्कूल में पढ़ी है। अच्छा LDAV इंटर कॉलेज। और ये JP विद्या मंदिर है अनूप शहर का, इसको दिखाओ। तो ये JP विद्या मंदिर है अनूप शहर, यहाँ तुम्हारी मौसी नौकरी करती है। हाँ और ये JP विद्या मंदिर बहुत अच्छा। तुम्हारा JP विद्या मंदिर कौन सा? चिट्टा वाला, चिट्टा। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा सा द्वार है। हाँ ये नहीं दिखा, डिग्री कॉलेज है ये। कौन सा? दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह डिग्री कॉलेज, यहाँ से पापा ने BEd करी थी। अच्छा और बहुत जगह अनूप शहर में देखने के लिए है। हाँ जी और ये देखो गाइस ये डिवाई रोड है, डिवाई के लिए निकल जाता है 2 किलोमीटर जाके लेफ्ट में हम मुड़ जाते हैं। लेकिन आपको पता है हमारा घर कहाँ? लेकिन हम अपने गांव नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपने घर बुलंदशहर, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल 3 तारीख से खुल रहे हैं। हाँ इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है गाँव जाने। तो चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ। अभी अनुपचर बाईपास से हम लोग गुजर रहे हैं और ये वाली बाउंड्री दिखाओ, ये LDAV डिग्री कॉलेज की बाउंड्री है, बहुत बड़ा है। अच्छा पापा ने BEd यहीं से करी थी, मतलब BEd करी थी मैंने, ऐसे BEd इसका मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन। अच्छा इसके बाद जो टीचर बनने की डिग्री होती है वो यहाँ से ली थी मैंने। BEd? हाँ जी BEd, बस उसका डॉट हटा दो तो बैड हो जाएगा। बहुत मेहनत करी थी मैंने, मेरे 77-78% नंबर आए थे BEd, यहीं पे पढ़े थे। अच्छा देखो सब लोग देखेंगे तो अच्छे से बोलोगे तो। कौन लाइव आ गया? कोई एक लाइव आया, हेलो गाइस कमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको लाइव चैट पे जाइए, नीचे ऑप्शन होगा और वहां पर कमेंट कीजिए, अपनी चैट लिखिए। हम खाली टाइम में घूमते रहते हैं, कभी कभी ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। हाँ अगर टाइम मिलता है तो।
अनूपशहर का भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी जगह बनने वाली है अनूपशहर है। चौड़े चौड़े रोड है, डिग्री कॉलेज है, दो दो कोर्ट है, कचहरी है, यूनिवर्सिटी है, मार्केट है खूब लंबा चौड़ा, गंगा जी हैं, और दूसरी पार जाने के लिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जाने के लिए भी पुल है, सब कुछ है। कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ पर एक मोड़ और यहाँ पर एक और द्वार है, और ये देखिए आ चुका है बुलंदशहर रोड। गाइस हम बुलंदशहर जा रहे हैं अभी 40 किलोमीटर दूर यहाँ से बुलंदशहर, यानी कि एक घंटे का समय तो लग ही जाएगा, एक घंटे में बुलंदशहर पहुँच जाएंगे, और हम आपसे रास्ते में लाइव रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। और देखिए ये बुलंदशहर रोड है, अनूपशहर टू बुलंदशहर 40 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, एक घंटा आपको मैक्सिमम लग जाएगा। उसका व्यू दिखाओ आसमान का, देखिए गाइस आसमान का देखो क्या व्यू आ रहा है, वाओ गाइस, एक तरफ काले बादल, दूसरी तरफ खुला आसमान, वाओ, व्हाट अ गाइस, व्हाट अ व्यू। इसी बात पे एक लाइक कीजिए, और देखिए घटा गिर रही है, काली घटा, बारिश वाली घटा देखो, वो रही काली काली, ये देखिए गाइस फीट, और यहाँ पर खुला आसमान, इससे शानदार व्यू नहीं देखा मैंने, और वो वाला बादल तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की दाढ़ी हो, ऐसे पहाड़ों से भी अच्छा व्यू लग रहा है, पहाड़ों पर बैठा बैठा व्यू हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, इसी बात पे लाइक करिए। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें पड़ रही हैं, और यहाँ पर एक हॉस्पिटल, आशा हॉस्पिटल, यस, और यहाँ पर है गांधी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज है, और ये एक पेट्रोल पंप, वाओ, अनूपशहर से निकल चुके हैं, यहाँ पे अनूपशहर खत्म हो गया, सीमा पार हो गई अनूपशहर की, आगे और यहाँ पर बहुत सारी जेसीबी ही जेसीबी, तीन तीन जेसीबी, और अभी हम करणपुर में है, क्या वाओ, आप देखिए आसमान का व्यू, देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, मनमोहक व्यू है ये तो, बहुत बढ़िया आसमान में चटक बनी हुई है, और वहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, हर जगह देखिए गाइस, क्या कहने, ऐसे व्यूज बहुत कम मिलते हैं देखने को, और हमें लग रहा है बारिश हो रही है, रास्ते में आपको बारिश दिखाएंगे, बारिश तो देखना ही है आपको, कैसे बारिश हो रही है, हमारी गाड़ी पे भी बूंदें पड़ती हुई दिखेंगी आपको, और बारिश भी दिखेगी, अगर बारिश में जरा सी भी गलती हुई तो गाड़ी स्लिप हो सकती है, लेकिन बारिश तो अभी हो नहीं रही, हाँ अभी तो खैर नहीं हो रही, और 80-90 इतनी तेज रफ्तार भी नहीं है, तेज देखो आप कितनी होगी रफ्तार, 80 है देखो तो गाइस, ये देखिए रफ्तार बढ़ती जा रही है, गाइस को दिखाओ, ओ 90 हो गई, 90 हो गई बस, हाँ, और देखो 100 मत करना, कितनी है बताओ, अभी नहीं हुई 100, देखो कितनी है, ओ 100 किलोमीटर चली गई रफ्तार, दिखाओ, गाइस हमें बचाओ, दिखाओ हमारे फ्रेंड्स को दिखाओ, अरे 110 पहुंच गई, देखो फ्रेंड्स 110 पे जा रहे हैं हम, अरे पापा स्पीड कम कर लो, कम कर लेते हैं थोड़ा सा, डर लग रहा है इतनी गर्मी में अगर टायर फट गया तो गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ पर सूरज चाचू निकल आए हैं गाइस, स्कूल दिखाओ डीपीएस, ये देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल है अनूपशहर, हाँ जी, ये देखिए पंच पीपल, इनको दिखाओ थोड़ा सा, पंच पीपल ये इनका बड़ा स्थान है, आप इधर कभी जाए तो बड़ा इनका आध्यात्मिक महत्व है, ये इधर, अच्छा ये पांच पीपल हैं, यहाँ पे कोई मुराद अपनी माताएं आके तो वो पूरी हो जाती, अच्छा तुम भी विश मांग लो बाबू, तुम भी विश मांग लो, अच्छी अच्छी, गाइस आप भी विश मांग लो, आप मांग लो पंच पीपल से, हाँ
और आपकी मेज जरूर पूरी होगी, और पूरी होगी तो हमें बताएं जरूर कमेंट्स में नीचे लिख के बताएं। अब कितने लोग जुड़े हैं पर जो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, तुम करते रहो। कोई ना, अभी हम बना रहे हैं, क्या पता कोई और जुड़ जाए। 10 मिनट की बन चुकी है, बनने दो, बनती रहेगी। हाँ, जब तक घर नहीं पहुँच रहे, बनने दो लाइव स्ट्रीमिंग। गाइस, आज 1 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग बनेगी, अंत तक बने रहिए। फोन डिस्चार्ज होने वाला तो चार्जिंग पे लगा लेना। यूएफओ टाइप आवाज। ये क्या है इसमें टैंकर? ये है सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर जो स्कूबा डाइवर्स लेकर जाते हैं। सूरज चाचू निकल जाओ। तुम इस बार गांव गए थे, तैरना क्यों नहीं सीखा तुमने? मेरे 4 दिन ही तो गए थे। अब पापा अभी तो स्विमिंग पूल क्यों नहीं है भाई? पता नहीं, नहीं है। टॉप चैट, लाइव चैट, ऑल मैसेजेस अवेलेबल। बताओ वो लोग होटल है अभी बना दो भाई। होटल बन गया। और भाई क्या आवाज है ये? पप्पू शीशा बंद कर ले, ऐसे तब आवाज बंद हो जाए। शीशा बंद करियो, देख आवाज कम हो गई। ओ वाओ, हम जा रहे हैं आसमान में। सूरज चाचू जाओ यहाँ से। गाइस, यहाँ पर मेरा बूढ़ा भानू। चुप, शीशा बंद कर दे यार, नहीं तो गाइस कोई आवाज सताती रहेगी। जाती है गाइस परेशान, तू बंद कर दे, खिड़की बंद कर दे। आपको बता दूं कि मेरे पैर में चोट लग चुकी है। यप। और गाइस, सड़क भी एकदम और दुआ से काली घटा नहीं छा रही, बस एक बड़ा सा बादल है। गाइस, सड़क भी एकदम क्लियर है, एकदम साफ है, साफ। ये छोटी है तो फिर लाइक और छोड़ दे। वाह, ये देखिए एक लाइक आ गया। एक हॉस्पिटल है, सियाराम हॉस्पिटल, बहुत इमरजेंसी में काम आता है लोगों के। अभी बनना ही, अभी बना नहीं है पूरा, अभी बना पूरा नहीं है, लेकिन अभी काम इसमें चल रहा है। डॉक्टर बैठते हैं और इसमें इमरजेंसी भी है, ऑपरेशन होते हैं और सब कुछ होता है इसमें। अरे वाह, तो आज हम आपको आम के बाग दिखा रहे हैं। इधर आम की बागात बहुत है, देखिए इधर, और सियाना एरिया में, और हमारे डिवाई की तरफ भी आम होते हैं अच्छे अच्छे बहुत होता है, दशहरी बहुत होता है। और गाइस, मेरे पैर में चोट लग गई। नहीं होता है, कम होता है सिंदूरिया, पहली बार सुना है मैंने। और एक होता अल्फांसो, अल्फांसो तो इधर बिल्कुल नहीं होता। अल्फांसो तो अमेरिका में मिलता है। नहीं, उधर होता है, हमारे सियाना की तरफ होता है, थोड़ा सा होता है, कुछ कुछ अल्फांसो अंग्रेजी नाम होता है, मीठा होता है, बहुत मीठा माना जाता है अल्फांसो, उसमें सुगंध होती है थोड़ी अच्छी। बब्बू शीशा बंद कर ले, अजीब सी आवाज आ रही है। थोड़ी कम कर लो क्योंकि आवाज अब मेरे कानों में चुभ रही है। अब दोबारा लिखेंगे? नहीं, इसमें आवाज भी अच्छी आ रही है। नहीं, ये तेरी कसम, तेरा
प्यार मुझे ढूंढे, तेरी कसम तेरा प्यार मुझे लूटे, कसम तो खाने वाले वो तेरे झूठे। यहाँ पर सजना तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, मैं तो प्यार हो सजना, मैं तो प्यार हो। तो गाइस कमेंट में लाइव चैट में बताइए आपको ये गाना कैसा लगा। कैसा लगा, थोड़ा सा गुनगुनाया हमने, हमें गाने की आदत है, आपको बताइए, हम भजन डालते रहते हैं, भजन कंटेंट हमारा। और आपको हमारे भजन कैसे लगते हैं आप जरूर कमेंट करके बताया करें। बहुत से लोग मेरे भजन सुनते हैं लेकिन वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। नहीं, सब्सक्राइब भी करा है उन्होंने लेकिन वो यूट्यूब पे कमेंट नहीं करते, मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे, मेरे फेसबुक अकाउंट पर कमेंट करेंगे, सर वो बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। तो भैया यूट्यूब पे भी कमेंट कर दिया करो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यूट्यूब पे कमेंट करना, लाइक करना होता है। हाँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपको कोई भजन अच्छा लगे, गाना अच्छा लगे या कुछ भी लाइव स्ट्रीम कुछ भी मेरा अच्छा लगे शॉर्ट आउट, तो लाइक करके शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर कर दें उसको, लाइक कमेंट जरूर कर दें और शेयर भी करें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम अभी काफी कम है, आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो वॉच टाइम ही नहीं बढ़ेगा और चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ भाई, मुझे आपकी सेवा करते करते साल हो गया है, एक साल से ज्यादा हो गया लगभग। तो मैं चाहता हूँ, हमने शायद से मई में शुरू करा था चैनल, मई में शुरू करा था एंड नाउ जून हैज गॉन ऑलमोस्ट क्या चली गई, जुलाई स्टार्टेड टुडे, फर्स्ट जुलाई इज इट, तो अब जुलाई में हो जाए तो अच्छा है, आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको पता ना हो तो ड्राइविंग क्या है बताओ। वाओ कितने सारे पकाते हैं। और गाइस अगर आपको पता ना हो तो मेरे पैर में लगी है एक नाजुक चोट। हाँ, एक कल लग गई थी, ये साइकिलिंग करते टाइम इनका पैर गड्ढे में आ गया था तो चोट लग गई थी कल थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे बस थोड़ी सी स्ट्रेन हो गया है। वन लाइक इज इक्वल टू वन रिस्पेक्ट। अभी देखिए जहांगीराबाद दुराया आ चुका है, बातों बात अब इसको बोलते हैं जहांगीराबाद दुराया, जहांगीराबाद, और इसको बोलते हैं भईपुर दुराहा, भईपुर चाहे तो भईपुर दुराहा बोल लो क्योंकि पास में गांव है भईपुर, चाहे जहांगीराबाद दुराया बोल लो, एक ही बात है। अभी हमने क्रॉस कर लिया है नवीन मंडी जहांगीराबाद, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और ये सामने एक थाना है, अभी हम आपको थाना दिखाएंगे जहांगीराबाद। कौन सा थाना? यहाँ पर देखिए एक RDPD PG कॉलेज है यहाँ पे। हाँ, इसमें भी तुम्हारी मम्मी पढ़ी थी। मम्मा यो पढ़ाया था, अभी कितने लोग हमें देख रहे हैं, सिंगल यस और दो लाइक, सैल्यूट टू यू सर कि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हो, आप हमारे रियल रियल वो व्यूअर हो। हाँ, वी रिस्पेक्ट यू, वी सैल्यूट यू। और यहाँ पर बहुत तेज स्पीड में जा रहे हैं हम, चलो चले हम बहुत तेज स्पीड में जाए हम और बच गए हम। ये मैंने बहुत सुन रखा है, अब एक गाना आपको सुनाएंगे, बाहर तक गाना सुना दो, थोड़ा सा गुनगुना दो कुछ जो हमारे व्यूअर्स को आनंद आ जाए सफर में, एक गाना का थोड़ा सा हो जाए सुना, एक ही लाइन आती है बस। हाँ, एक सुना था, ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल सुहाना, यहाँ कल क्या हो मैं जाना। राजेश खन्ना ने फिल्म आया, उनके ऊपर फिल्म आया करता है गाना।
मौत आनी है एक दिन। आशी दीदी का कमेंट। अच्छा आशी देख रही है। हाँ वेरी गुड। क्या कह रही है आशी? चार थम्स अप। वाह वाह, तुम्हारे गाने पे। हाँ अच्छा, तो आशी दीदी को बता दो दीदी हम अनुक्षर आए। उन्होंने सुन लिया हमारे अनुक्षर। और अभी जस्ट अभी बिजली के पोल्स पोल्स आगे पोल्स और ट्रैक्टर। कभी साल ठंडी हवा आ जा, कभी गर्म हो जा। ये इसी बड़ा विचित्र पहलवान ढाबा दिखा दो। मशहूर ढाबा चल गया शायद से, इसी ढाबे पे हमने खाया था जब उत्तराखंड से निकल रहे थे। अरे उत्तराखंड वो तो उधर खाया था हमने। सीमा पर पहुंचते ही रुड़की रुड़की का एरिया तो मुझे फोन कर। रुड़की क्या नाम है। और ये देखिए JBG इंटरनेशनल स्कूल, अगर आप इसमें पढ़ते हो तो अपनी राय बताइए। इसमें कौन पढ़ेगा, यही बच्चे पढ़ते होंगे आसपास के शायद। मैं भी फालतू के साथ हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक बताइए आगे कौन सा गांव आने वाला है। आगे शायद से बताया तुम गांव का नाम। आ सकता है क्या? मोस्ट प्रोबेबली मुझे जटवाई लग रहा है। भैयापुर। भैयापुर वो तो दाई तरफ है। जटवाई वो जटवाई। हाँ वो दाई तरफ, ये जटवाई है, वो भैयापुर है। देख लिया भाई भाई। मेरी प्रेडिक्शन कमाल कर दिया। इतनी फास्ट है कुछ रोड पे डाल देते हैं। रोड पे जो गाड़ियां कुचलती रहती है और इनका भुट्टा दाना अलग हो जाता है और भुट्टे का छूछा अलग हो जाता है। छूछाला फिर वो दाने को इकट्ठा भर के रख लेते हैं अनाज पिसवाने के लिए। ये देखिए सब बोरी लगा रखी है, दिखाइए ना भाई आराम से। देखो गांव के लोग कैसे कर लेते हैं पता नहीं यार। मैं देखो ये निकाल रखा है दाना निकाल। ये भुट्टे का दाना है, भुट्टा पड़ा है देखो, ऐसे होता है। ठीक है वाओ गाइस, हम अपने कुछ लोग भुट्टे उगा लेते हैं। ये शिवा फैमिली ढाबा है, आप कभी आप इधर आए तो इस पे ढाबे पे खाना खा सकते हैं। अच्छा खाना है? अच्छा खाना है इसका, हमने खाया है और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। और अभी हम 20 किलोमीटर दूर है बुलंदशहर की सीमा से। अभी हम आ गए। हाँ और बाबू को भूख लग रही है तो कुछ बात का जुगाड़ करते हैं, अभी देखेंगे आगे चल के क्या। मम्मा मैं तो होटल में जाने की सोच रहा हूँ। अरे होटल में इतनी खाली क्या है मौसी के पास? हाँ होटल में आने की लग रही है तुम्हें? हाँ ये तो ऐसे ही करेगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए जंगल ही जंगल, उसका मंदिर और आश्रम है। गांव में लोग ऐसे बना लेते हैं एक छोटी सी बगीची आश्रम मंदिर पूजा पाठ के लिए। इधर देखिए किसी का फार्म हाउस है, अच्छा फार्म हाउस उन्होंने बना रखा है। पापा दो मिनट के लिए आप पकड़ लो। आजकल लोग ऐसे भी फार्म हाउस बना लेते हैं। दुकान से चिप्स दिला। चलो दिला देंगे तो अभी। ओ वाओ गाइस पापा हाथ छोड़ के गाड़ी चला लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी हमारी चल रही है, आप देखते रहिए। भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं। आप लाइव स्ट्रीम हमारी कितनी देर से हो गई बात? 25 मिनट चल रहे हो आज देखो कहाँ तक? एक घंटा तो मैक्सिमम हो ही जाएगा। अच्छा जितना भी हो। लाइव स्ट्रीमिंग में वो कैसे होता है? क्या वॉच टाइम कैसे जुड़ता है? जुड़ जाता है पर पूरी चलानी पड़ती है, नहीं तो अगर आते चलाओगे ना तो जितनी जितना जितना भी पार्ट देगा है उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। पूरी का मतलब पूरी कब तक चलाएं? जब तक खत्म हो जाए वो लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो। अब कब खत्म होगी कैसे पता लगेगा? ये तो चलती रहेगी वीडियो। नहीं मान लो बोले से पहुंच के। हाँ घर की गली में पहुंच के खत्म हो जाएगी। अच्छा मैं कर दूंगा खत्म, ये जो क्रॉस दिख रहा है ना। अच्छा इससे दबा के इसे दबा के कितना वॉच टाइम मिल जाएगा? एक घंटे का? अगर एक घंटे की बन पाई तो। अरे ये तो क्या फायदा, कितने लोगों ने देखा होगा इस पे डिपेंड करता है ना।
है तो 100 घंटे पता नहीं। 100 घंटे भी बहुत कम है 4000 के सामने, कहाँ 4000 कहाँ 100। बबुल को क्या बोलते हैं देख, घर जाके देखेंगे तो फिर। अभी तो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है तो ये देखिए मेरा ड्राइविंग स्टाइल है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब तो स्पीड कंट्रोल हो गई। मुझे पता नहीं क्यों वीडियो में रेनबो दिखाई दे रहा है छोटा सा। ये देखिए तिरंगा अभी भी लगा हुआ है यहाँ पे। कहाँ पीछे गया? निकल गया। दिखा देते। अब एक गाना बाबू सुनाएगी। बाबू एक गाना सुनाओ। कुछ भी आता हो। जसमाणक, जसमाणक की सुना दो। जसमाणक क्या नाम उसका? जसमाणक पंजाबी सिंगर है। जसमाणक का सुना दो। जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। वाह बहुत अच्छे क्लैपिंग। ओ वाह हाथ छोड़ के गाड़ी चलाने। आप देखो सुना हूं, नहीं, नहीं कोई नहीं। पर बहुत तेज स्पीड में हम जा रहे हैं। तो बंद कर दो तो अभी नहीं, घर पहुंच कर ही करेंगे। अब क्या पता है कहां और जुड़ गया कोई, हो सकता है ऐसा। होल्ड द कैमरा प्रॉपरली पार्थ, दीदी कह रही है मुझसे। होल्ड द कैमरा प्रॉपरली दीदी, अपने आप ही हिल रहा है कैमरा, इसमें बताओ मैं क्या करूं। ठीक से पकड़ ले, तू भी हिला रहा होगा ना। लो हेलो दीदी, चुप। चैट में देखूं, लाइव चैट, टॉप चैट, लाइव चैट नहीं है। बच्चों मुझे आगे आ जाओ। है नहीं तू साइड में बिठा लो। नहीं बिठा सकता परेशान हो जाओगे तो पीछे बैठो आराम से। अब गैस लेंगे तब चेंज कर लेना है ना, फिर आप आगे बैठो। गैस लेते वक्त भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं ना। मना तो नहीं करेंगे क्या लाइव स्ट्रीम करने की? हाँ कर लेना, सब अलग होके करते रहना, मना क्यों करेंगे। नहीं मुझे डाउट था ना थोड़ा सा। कोई मना नहीं करेगा। हाँ चलो फिर ठीक है गाइस, अभी हमारे दिमाग में कुछ आया है। ये आ गया शिवाली। अच्छा शिवाली। बर्फ बहुत महसूस है, अभी जब हम जा रहे थे तो हमने खाई भी थी थोड़ी सी बर्फ। बर्फ कह लो, आइसक्रीम कह लो। ये देखो ये दिखा देना, ये लोग ऐसे खड़े रहते हैं रोड साइड में, ये देखो ये खड़े लेफ्ट में, और ये आइसक्रीम बेचते रहते हैं बस में या किसी को भी दौड़ के दे देते हैं। 20-25 रुपए की 100 ग्राम देते हैं, 20 रुपए की 100 ग्राम, 20 की 100 ग्राम। हाँ और ये ऐसी खर्चे बना के लाते हैं, ठीक होती है इनकी आइसक्रीम। और इस तरह की आइसक्रीम यही मिलती है शिवाली में, बड़ी मशहूर है। नहीं अब जाने में तो खाई नहीं थी तुमने, जरा सी खाई थी, अच्छी थी वो आइसक्रीम। तुम्हें अच्छी नहीं लगी? अच्छा वो। ओ क्यों नहीं अच्छी? कोई नहीं जाते में ले लेंगे तेरे लिए। पर देखिए हम बिल्कुल फ्लैश की स्पीड में जा रहे हैं। ये कौन सी सेना है? सही तो भगत सिंह। अरे पेट्रोल पंप, यहाँ
पर पूरी फुल स्पीड के साथ हम जा रहे हैं घर की तरफ। पापा पता है मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, बड़े यूट्यूबर जिस भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे होते हैं ना उसका अपने हिसाब से गाना बना देते हैं, पहले नोटिस करा है। तो मैं भी एक गाना बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम जा रहे हैं स्पीड में घर की तरफ और यहाँ पर सामने एक वैगनर क्यों है, यहाँ पर ऊपर बहुत सारे बादल और सूरज है। मैं गाड़ी के बाहर से आपको दिखा देता हूँ। अरे बाप रे बहुत तेज हवा चल रही है, पेट्रोल पंप आप मिस मत कर देना। ये आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, सतगुरु धाम। और यहाँ पर भी देखिए श्री भूधत सिंह सतगुरु धाम। हाँ राधा स्वामी सत्संग न्यास। अच्छा मैंने बोला था ना, यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ हम लगे हुए हैं लाइव स्ट्रीमिंग करने में, और अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम नहीं देखते तो बहुत बुरा लगता है, तो प्लीज देखा करिए। आपको ऐसे ही मजेदार कंटेंट देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि भजन मेरे वो जो मैं बजाता हूँ ऐसे चंग 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 वो मैं आजकल क्यों नहीं बजा रहा, तो रीज़न है उसका कि वो मिल नहीं रहा है मुझे। यप घर जाके ढूंढूंगा, और अगर पापा ने अब कोई भजन रिकॉर्ड करा तो मैं उसमें अपनी आने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन खैर ऐसे चांसेस बहुत कम ही हैं क्योंकि एज यू नो 3 तारीख से स्कूल शुरू हो रहे हैं। कल काम बहुत है, इसलिए भजन रिकॉर्ड होना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल के बराबर ही समझ लो। तो टाइम लगेगा अब तो, अगर दिवाली की छुट्टियां पड़े तभी होगा। लेकिन एवरी संडे तो हम भजन देते रहेंगे। हाँ एवरी संडे तो चलेगा ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। और गाइज मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने एक टारगेट रखा है कि अगर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हुए के बाहर कैसे उड़वाए, वैसे तो खैर नहीं होने वाले, लेकिन अगर बाई चांस फिर भी हुए तो मैं करने वाला हूँ अपना थोबड़ा रिवील, फेस रिवील करूँगा मैं। तुम्हारा कंसील कब था जो रिवील करोगे? क्या तुम्हारा कंसील कब था? कंसील मतलब कंसील जो चीज होती है उन्हीं को तो रिवील किया जाता है। तुम्हारा तो चेहरा पहले से इसमें दिख रहा था। कंसील का अपोजिट होता रिवील, समझ गए? अच्छा कंसील का उल्टा रिवील। किसी ने मास्क लगा रखा है तो उसने कंसील कर रखा है, वो तो रिवील करेगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा कंसील ही कहाँ था जो तुम रिवील करोगे, तुम्हारा तो चेहरा दिखता है इसमें। अरे मेरे सब्सक्राइबर्स को थोड़ी पता। अच्छा तुम्हारे अपने चैनल पे? हाँ। अच्छा उसके लिए कह रहा हूँ मैं, अपने चैनल की कह रहा हूँ। मैं सोच रहा मेरे चैनल पे। ओ आपके चैनल पे तो पहली वीडियो हवा आ गई मस्त, पहली वीडियो में कर दिया था फेस रिवील। आ गई ना ठंडी हवा आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। हम आ गए ITI से, क्रॉस कर लिया हमने। अभी कहाँ है हम? ITI तो वो तो कर दिया क्रॉस, सहकारी नगर से आगे निकल चुके हैं हम। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रक, अशोक लेलैंड। क्या चिप्स? ओ हम भूल गए, तुमने चिप्स नहीं खाई थी जाते में? खाई तो थी, उसमें रखी होगी, देखे पीछे चिप्स है उसमें, खत्म हो गए यार। कितने चिप्स खाओगे तुम? कुछ और खिलाएंगे शहर में चल के, अच्छा से चिप्स छोड़ो है। नहीं जूस पी ले या पपीता खा लेना, गन्ने का पिला देना अच्छा सा, जूस पी लेना बेटा, जूस से ताकत मिलेगी ना। चिप्स उसमें का
चल वो ले लियो, चिप से तो बेटर ही है। गुड। क्या बारिश हो रही है रास्ते में? नहीं मौसी, बारिश तो नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि हो रही है पर नहीं हो रही बारिश। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़, पौधे ही पौधे, पेड़ ही पेड़। यहाँ पर मुझे लग रहा है भीड़ पड़ सकती है। ओके तो यहाँ पर ये हमारी गाड़ी की कॉपी गाड़ी है, सिलेरियो। हाँ ये हमारी गाड़ी की कॉपी है। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम सिलेरियो। सही कह रही है। अब यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है अभी। ये हम कहाँ गए? पता नहीं। ये कहाँ आ गए हम? श्री बालाजी डेयरी। जुलेपुरा गए हम। जुलेपुरा ये कौन सी जगह है भाई? सहकारी नगर से जुलेपुरा। वाह। वहाँ से भी निकल जाते हैं हम। ये कहाँ आ गए हम? एसी चल रहा है अब। हाँ मौसी अब सही से चल रहा है एसी, अब मस्त चल रहा है। और यहाँ पर अचानक से काली घटा क्यों छा गई भाई? सूरज चाचू झुक गए पीछे। चलो सही, अब मैं इसे हटा सकता हूँ। और नहीं तो क्या? कौन सी छोटी है, बड़ी? ऑब्वियसली छोटी। मौसी कह रही है बहुत अच्छे। मौसी सोना दीदी का भी कुछ कहना है कि बात हो। मौसी बब्बू कह रही है सोना दीदी का भी एक कमेंट लिखवा दो। हेलो तित्तू, लिख दिया सोना ने। ये देखो कितना टायर अट गया, इसके टायर देखो भाई। 1 2 7 8 9 10। मौसी दीदी से कहना वो मुझे तित्तू को बुलाती है। आई मिस यू बाबू। अभी तो निकले हैं आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले ही तो निकले हैं। कहाँ से? हमने जानवी घाट से शुरू करी थी ये वीडियो। जानवी घाट से ना। जानवी छोड़ी थी। लॉल। पूरी एक घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग पूरे रास्ते के पास ना। अभी तो 40 मिनट हुए हैं। अरे बाप रे। गाइस ये हमारी अब तक की इस पूरे चैनल की सबसे लंबी लाइव स्ट्रीम है। अनुप सेल टू बलेंच है। और गाइस अगर कभी टाइम मिला तो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट की भी दिखाएंगे, वो भी पूरी लाइव मारेंगे। लाइव राजस्थान जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे। तो उत्तराखंड पहुंचने में हमें शायद से 5 घंटे लग गए थे। हाँ। अगर उसकी लाइव स्ट्रीम बना लेते तो कब के हो चुके होते। मैं सोना दीदी हूँ। बीच बीच में बना लो बस। बीच बीच में। मौसी की तरफ से कमेंट आया है मैं सोना दीदी हूँ। सो नहीं देख रही होगी तो? ना मौसी ने की है आधे से ज्यादा कमेंट। जब बब्बू ने बोला था कि सोना दीदी से कमेंट करवा दो तब बोली वो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक। मौसी दीदी से पूछना मुझे तित्तू क्यों बुला सकती है, बाबू भी तो बुला सकती है ना। चुप। यहाँ पर मेरा नबू रहा बब्बू रहा। ठीक है जा डांस जा भाई। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। चल तो आप इसका लुंगी डांस देखते रहो, मैं जा रहा हूँ। और फिर चौक स्लैम होता है, चैक स्लॉम। हाँ यहाँ पर क्या है पता नहीं, कोई कॉलेज था। पब्लिक स्कूल। कौन सा? ब्लू बर्ड। बहुत मशहूर स्कूल हो चुका है, मैंने देख रखा है। स्कूल के बच्चे टॉप करते हैं। आरएसएस का स्कूल है और ये वाला छत्रपति शिवाजी बहुत मशहूर स्कूल है। छत्रपति शिवाजी ये वाला इंटर कॉलेज है, वो जूनियर था। ये वाला दिखाओ, ये मेन गेट, ये देखिए, ये छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज। बड़ा कॉलेज है और इसमें लगभग 1500-1600 बच्चे हैं। ये संतोष इंटरनेशनल है लेफ्ट में। और हमारे जेपी में 1200-1400 स्टूडेंट्स हैं। और दोबारा से सूरज आ गया तो दोबारा से ये लगा दो। ठंडी हवा आ रही है। यहाँ पर कल्याण सिंह जी
का स्मृति द्वार है। यहाँ पर हम बुलंदशहर के बहुत नजदीक है, 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे हमें। 5 मिनट अभी 42:12 हो रहे हैं, अगर 47:12 तक नहीं पहुँचे बुलंदशहर तो फिर देखते हैं। बहुत आराम से पहुँचते हैं, 5 मिनट से भी कम का समय लगेगा। देखते हैं देखते हैं। ये देखिए भव्य गार्डन है, शादी वादी होती है इधर, छोटे मोटे प्रोग्राम हो जाते हैं। हाँ दावत वावत हो गई किसी की, वो हो गई। बुलंदशहर कितनी दूर है अभी? 2 किलोमीटर, बस 2-3 मिनट का रास्ता है। ठंडी हवा आ रही है। बुलंदशहर जाते ही बंद कर देना लाइव स्ट्रीम, है ना, बंद कर दो बस। आगे अभी कहाँ आया? आगे ना हम अपने यहाँ रुकेंगे, सीएनजी लेंगे। आज तो बड़ी भीड़ है इसमें सीएनजी वाले में, तो रहने दे। हाँ कल भरा लेना, कल भरा लेना, कल फिर आना पड़ेगा यहाँ। अरे यहाँ पर थोड़े ही, उधर चले जाना। अरे पापा टाइम लगेगा। पेट्रोल गैस है? गैस। अब यार अब तो चलो गाइस बाय, मिलते हैं आपसे अपनी दूसरी लाइव स्ट्रीम में। आ गया बुलंदशहर, बोल दो। और यहाँ पर बुलंदशहर आ चुका है। यहाँ पर हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं, तो बाय, मिलते हैं आपसे अपनी अगली लाइव स्ट्रीम में। आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप स्ट्रीमिंग? यस। इधर खड़े हो जाओ, तुम लोग उतर के